हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कॉम्पिटिशन्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जीके। साथियों, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कॉम्पिटिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ मेरे द्वारा राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए मुझे अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज। न्यूज फर्स्ट, ए 9 डेज नेशनल ट्रिबल फेस्टिवल आदि महोत्सव बिगन इन लेह लद्दाख। द थीम ऑफ द आदि महोत्सव विच बिगन इन लेह लद्दाख फेस्टिवल इज, थीम क्या है जो लेह लद्दाख में आदि महोत्सव जो हो रहा है उसकी थीम क्या है? ए सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्रिबल क्राफ्ट कल्चर एंड कॉमर्स। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। भारतीय क्रिकेट टीम जो है, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए किसे हेड कोच नियुक्त किया गया है? तो वह फॉर्मर ऑलराउंडर रवि शास्त्री, जो रवि शास्त्री है उनको दोबारा से इंडियन क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है और इन्हें फिर से 2 साल के लिए नया कोच नियुक्त किया गया है। विच क्रिकेट टीम हैज वोन द इनोग्रल T20 फिजिकल डिसेबिलिटी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज 2019। कौन सी टीम है जो T20 फिजिकल डिसेबिलिटी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज 2019 को जीती है? तो वह टीम है इंडिया। और T20 फिजिकल डिसेबिलिटी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज 2019 की बात की जाए तो यह इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट, इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व हैज रिच्ड द हाइएस्ट इवर वैल्यूएशन ऑफ 4,330.54 बिलियन डॉलर, लगभग 430.54 बिलियन डॉलर। हु इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो वह है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, इंडियन साइक्लिस्ट टीम है वोन द गोल्ड मेडल इन द टीम स्प्रिट इवेंट एट। इंडियन साइक्लिस्ट टीम ने टीम स्प्रिंट इवेंट में गोल्ड मेडल कहां पर जीता? तो वर्ल्ड जूनियर ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप में, जो कि जर्मनी के फ्रैंकफुर्ट में आयोजित हुई थी। इंडिया हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड $1 मिलियन टू द UN स्पेशल पर्पज ट्रस्ट फंड को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, यूनियन गवर्नमेंट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड ए 12 मेंबर हाई लेवल कमिटी टू रिवाइज एंड अलाइन। यूनियन गवर्नमेंट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड ए 12 मेंबर हाई लेवल कमिटी टू रिवाइज एंड अलाइन। यूनियन गवर्नमेंट ने 12 सदस्य कमेटी गठित की है, हाई लेवल कमेटी गठित की है। क्यों? किसको रिवाइज करने के लिए और किसके बारे में अपने सुझाव देने के लिए? तो द प्रोसीजर ऑफ डिफेंस प्रोक्योरमेंट, जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लागू करने के लिए बनाया गया है। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन ऑफ द डे की बात की जाए तो हु अमोंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। किसे तमिलनाडु सरकार द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए टी सुवर्णा राजू, ऑप्शन बी के सिवान, ऑप्शन सी जी सतीश रेड्डी और ऑप्शन डी पुनीत गोयनका। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में डालना है। और साथियों, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें। जो भी आपकी क्वेरी, जो क्वेश्चंस, कमेंट करें।
अनअकैडमी ऐप को और हमारे वीडियोज को और यूवी कंपटीशन चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए PDF का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, तो वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा इंस्टा पेज यूवी कंपटीशंस को भी फॉलो करें कर सकते हैं, वहाँ से आपको डेली करंट अफेयर्स का पेज मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।